हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पास एक HP की लैपटॉप है, और इस तरह लैपटॉप अगर किसी के घर में होता है तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज करके मुझे बताया कि भाई मेरे घर में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, लेकिन इस लैपटॉप को हमें समझ में नहीं आता है इसको क्या करें क्या नहीं करें। जब भी मेरे घर में लैपटॉप 1 महीना, 4 महीना या 10 महीना या 1 साल के बाद ख़राब हो जाता है, तो उसको निकालने का किस तरह ड्राइव निकालना है, किस तरह रैम निकालना है और किस तरह इसके सेल वगैरह जो होते हैं वो निकालने हैं, तो बैटरी निकालना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको पता नहीं होता है कि भाई बैटरी किस तरह निकालते हैं, तो लोग क्या करते हैं एज इट इज़ उठा के जो है ना उसको कबाड़ में डालते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मैसेज करके मुझे बताया कि भाई इसके बारे में कुछ वीडियो भी बना दो यार, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि भाई हार्ड ड्राइव को किस तरह निकाला जाता है, रैम को किस तरह निकाला जाता है, और दूसरा ये है कि बैटरी को किस तरह निकाला जाता है, जो अंदर का काम का चीज़ है LED है उसको किस तरह निकाला जाता है। तो इस वजह से उसने बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूँ। तो आज वही उसकी टॉपिक के बारे में वही टॉपिक के बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा काम की है, लेकिन यह है कि अगर आप देखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप नहीं देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यह है कि इससे अच्छा है कि आप वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा कि भाई ये लैपटॉप में क्या क्या चीज़ लगा होता है। ये देखो, ये रैम है, ये DDR3 रैम है, इसमें लगा हुआ है 2 स्लॉट है, 2-2 GB की रैम है। ये देखिए DDR3 है, और ये देखिए ये है i3 फर्स्ट जनरेशन की मशीन। ये देखिए ये भी 2 GB रैम है, इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ बारी है हार्ड ड्राइव निकालने की है। आप कोशिश ये करते हैं कि ये देखिएगा, इसको इसने फेंकने वाला था, ये देखो कह रहे थे कि भाई मैं इसको फेंकने वाला था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बताया कि भाई इस तरह करना है, क्या करने चाहिए। ये देखो ये पूरा टूटा हुआ, ये देखो अब इसको मैं निकालता हूँ, फिर इसको देखते हैं कि भाई हार्ड ड्राइव कैसे निकलता है। रैम तो खैर आपको दिखा रही है, ये देखो दी, फिर भी देख लो ये 2 GB रैम है। तो जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो 2 GB रैम है, ऊपर यही जगह में लिखा हुआ है, ठीक है। ये DDR3 है, रैम लगा हुआ है, ये आप इसको निकाल देना। अभी ये देखें, ये रेडी भी मुझे लगता है ये सही है, अगर टूटा होता तो इसमें बीच में कुछ स्क्रैच आ जाता, आप पता नहीं इसको देखते हैं देखने